नमस्कार राजेश सर, क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 2 बहुपद पार्ट 5 प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन 1 से 5 तक। इस वीडियो में इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल बताऊंगा। हल बताने से पहले गुणनखंड प्रमेय क्या होता है ये देखिए। यदि पी एक्स घात एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो और ए कोई वास्तविक संख्या हो, तो पहला यक्स माइनस से पी एक्स का ए गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0 हो, और दूसरा है पी ए बराबर 0 होता है यदि यक्स माइनस से पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो इसका अर्थ है कि एक पी एक्स एक बहुपद है जिसकी घात 1 के बराबर या 1 से अधिक है और ए कोई वास्तविक संख्या रियल नंबर्स है। पहला इसमें है यक्स माइनस से पी एक्स का ए गुणनखंड होता है यदि, इसका पी ए का अर्थ हुआ शेषफल, यानी यक्स माइनस ए से इसमें भाग दिया जाए जो शेषफल आएगा, या शेषफल प्रमेय के द्वारा भी, तो जो यदि शेषफल शून्य है तो ये गुणनखंड होगा। उसी का व्युत्क्रम है पी ए बराबर 0, यदि शेषफल क्या है शून्य है तो यक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। यह है, इसी आधार पर प्रश्नों को हमें हल करना है। तो देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड एक्स प्लस 1 है। यहाँ हमें बताना है कि किस बहुपद का गुणनखंड एक्स प्लस 1 है। तो देखिए, पहला का पहला माना पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है बहुपद का गुणनखंड है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे एक्स प्लस 1, इसके शून्यक के लिए इम्प्लाइज दैट, यानी पक्षांतर करेंगे, यानी एक्स का मान 1 आएगा। अब हमें शेषफल निकालना है शेषफल प्रमेय के द्वारा। तो पी माइनस 1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे माइनस 1। तो माइनस 1 क्यूब, ये माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस 1। यहाँ माइनस 1 का 3 बार गुणा है तो ये माइनस 1 ही आएगा, ये प्लस 1 आएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस होगा प्लस होगा। तो ये 1 1 से कटा और यहाँ 1 1 से कट जाएगा 0, शेषफल शून्य आ गया। इसलिए यक्स प्लस 1 पी एक्स, यानी इसका एक गुणनखंड है यक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है। अब दूसरे के लिए देखा जाए, दूसरा माना पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यही है गुणनखंड। इस देखना है तो यक्स प्लस 1 बराबर 0 या यक्स बराबर माइनस 1। तो शेषफल निकाला जाए तो पी माइनस 1, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ रखा जाए, माइनस 1 4 घात, माइनस 1 का 3 घात और माइनस 1 का 2 घात, माइनस 1 प्लस 1 हियर, 1 ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस और ये प्लस। तो 1 1 से कैंसिल, 1 1 से कैंसिल, बराबर 1, नॉट बराबर 0, 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर एक्स प्लस 1 पी एक्स मीन्स दिस बहुपद, गुणनखंड प्रमेय से भी लिख सकते हैं, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से लिख सकते हैं
पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अब देखते हैं तीसरा, तीसरा है माना पी एक्स बराबर एक्स घात 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। यही शून्यक, इसका शून्यक सीधे सीधे लिखते हैं शेष पर, उसका शून्यक -1, तो -1, तो -1 का 4 घात प्लस 3 -1 का 3 घात और -1 का 2 घात प्लस -1 प्लस 1 हीयर, ये 1 होगा और ये सरल करने पर -3 आएगा, ये सरल करने पर प्लस 3 होगा, ये -1 और प्लस 1, 3 3 से कैंसिल, 1 1 से कैंसिल, बराबर 1 बराबर नॉट 0 बराबर 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 1 पी एक्स मीन्स दिस बहुपद पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार आप इसको भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने से करिएगा। अब प्रश्न है आगे, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। वही जो विधि अपनाई गई है ऊपर, वही विधि यहाँ भी अपनाई जाएगी। तो देखिए, पहला पी एक्स दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 हीयर, ये आपका प्रश्न है। और जी एक्स यहां पर दिया है तो इसका शून्यक निकालना होगा, तो x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर माइनस 1। अब शेषफल निकालेंगे तो शेषफल वही होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखना होगा, इसमें रखा जाए तो -1 हीयर 2 -1³ और प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 हीयर 1 हीयर, ये -1 ही होगा, क्यू है ये प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया -1 हो गया। अब यहाँ पर ये -2 प्लस 1 प्लस 2 -1 हीयर, सरल करने पे ये 0 आ जाएगा, किसके बराबर, शून्य के बराबर आ जाएगा। इसलिए गुणनखंड प्रमेय से खंड प्रमेय, क्योंकि शेषफल शून्य आ गया, गुणनखंड प्रमेय से जी एक्स कामा पी एक्स का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब दूसरा देखा जाए, यहाँ पर दिया है यही है दूसरा, तो हमें पहले शून्यक निकालना होगा, तो x प्लस 2 को 0 के बराबर लिखेंगे और यहाँ से यह पक्षांतर होगा तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब शेषफल निकालेंगे, ये बहुपद दिया ही है हमारा, तो p जहाँ x है वहाँ -2 लिखेंगे, -2 हीयर का q है, तो यहाँ 3 - 2 का स्क्वायर है 3 हीयर -2 प्लस
प्लस वन हीयर, ये हो जाएगा तीन बार गुणा माइनस टू का तो माइनस आठ होगा, और ये तीन और ये चार होगा प्लस चार, तो चार तीन बारह प्लस होगा, और ये छः होगा और ये प्लस वन होगा यहाँ पर, तो इसको इसको एक साथ रखते हैं चौदह होगा और ये तेरह होगा, और सरल करने पर माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार अपने से इसको करिएगा तीसरा, यही विधि अपनानी होगी और इसका आंसर आप अपने से ज्ञात कर सकते हैं कि ये यदि शेषफल शून्य आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, और शेषफल शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का ये गुणनखंड हो, तो हमें k की वैल्यू ज्ञात करना, ये x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है इसलिए गुणनखंड प्रमेय से शेषफल क्या होगा, इसका शून्य होगा। तो देखिए, तो शून्य इसका क्या होगा, वन होगा, प्लस वन होगा ही, तो गुणनखंड प्रमेय से P1 बराबर जीरो, यानी शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। तो लिखेंगे जहाँ जहाँ वन हीयर स्क्वायर प्लस वन प्लस के बराबर शून्य, वन प्लस वन प्लस के बराबर जीरो, टू प्लस के बराबर जीरो, या के बराबर माइनस टू, ये के की वैल्यू है। इसी प्रकार हम दूसरे के लिए जो कि यहाँ दिया है पी एक्स, तो यहाँ भी शेषफल क्या होगा, शून्य होगा, ये शून्य की इसका वन वहीं लिखेंगे, यानी गुणनखंड प्रमेय से डायरेक्ट लिख सकते हैं पी वन बराबर जीरो। अब इसमें रखेंगे पी वन की वैल्यू, टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस के, सॉरी प्लस वन है, सॉरी प्लस वन हीयर है क्योंकि प्लस है, तो वन प्लस टू बराबर जीरो, ये टू वन प्लस, टू प्लस के या प्लस अंडर रूट टू हीयर, ये हो जाएगा के बराबर माइनस टू माइनस अंडर रूट टू, माइनस कॉमन ले सकते हैं टू प्लस अंडर रूट टू, तो इसका आंसर हो, ये इसका आंसर यानी के की वैल्यू। इसी प्रकार हम अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं, तीसरा भी हम हल कर करते हैं, ये है आपका, तो P1 गुणनखंड प्रमेय से क्योंकि यह इसका गुणनखंड है, इस नाते शेषफल क्या होगा, शून्य होगा, यानी P1 बराबर जीरो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वन हम रख देते हैं, तो मिलेगा k वन का स्क्वायर माइनस टू वन हीयर प्लस वन बराबर जीरो, तो ये वन आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो k ही आएगा, तो माइनस अंडर रूट टू प्लस वन हीयर बराबर जीरो, या k बराबर हो जाएगा प्लस, ये पक्षांतर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा,
ये के की वैल्यू है। इसी प्रकार आप चौथे को हल कर सकते हैं, तीसरा का चौथा अपने से कर सकते हैं। आगे देखिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके चार पार्ट हैं। तो देखिए, पहला क्या किया जाता है कि बीच का जो है अंक उसका ऐसा दो भाग किया जाता है कि गुणा करने पर इसके और इसके गुणनफल के बराबर होते हैं। इन दोनों का यदि गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, 12 कम 12। अब क्या करेंगे, इसको ऐसा गुणा, 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर कितना आ जाए हमें 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 4 माइनस 3, गुणा करने पर प्लस 12 आ जाए। तो देखिए, लिख सकते हैं इसको 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, जोड़ने पर माइनस 7x ही आएगा, गुणा करने पर 12। अब देखिए, 4x कॉमन लीजिए इसमें से, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा। अरे सॉरी, ये 4x कॉमन लेंगे तो 3 भी रहेगा यहाँ पर, 3। और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया जाए, माइनस 1 कॉमन तो माइनस 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर माइनस 3x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, यहाँ 4x माइनस 1 बचेगा। ये अब देखिए इसका गुणनखंड हुआ। दूसरा देखिए, 2x² प्लस 7x प्लस 3 हियर, इसमें वही इसका इसका गुणा करेंगे, 2 × 3 बराबर 6। और 7 का दो भाग करेंगे, गुणा करने पर 6 है, तो सीधे सीधे हम ये लिख सकते हैं, जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर प्लस 6। तो देखिए, तो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 और 1 नहीं लिखा जाता। अब 2x इसमें से कॉमन लिया जाए तो यहाँ x बाहर, तो 2 का भाग देने 3 आएगा यहाँ, और प्लस 1 इसमें से, दोनों में से कॉमन, x प्लस 3 यहाँ होगा, फिर x प्लस 3 कॉमन होगा, 2x प्लस 1, ये इसका गुणनखंड। तीसरा देखा जाए, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यही इसका इसका आपस में गुणा करेंगे, माइनस 36 आएगा। और 5 का दो भाग करेंगे कि गुणा करने पर माइनस 36 आ जाए। तो देखिए, तो 5 का दो भाग होगा, 5 बराबर लिख सकते हैं 9 माइनस 4, ये 5 ही है, गुणा करने पर कितना आ जाएगा, माइनस 36। तो देखा जाए इसको, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, देखिए जोड़ने पर 5 ही आएगा, नचो के 36 आ गया, तो अब इससे कॉमन लिया जाए, 3x कॉमन लेंगे, 2x यहाँ बचेगा, और यहाँ होगा 3x, तो 3x बाहर, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2x माइनस बाहर है, प्लस 3 होगा यहाँ पर, यहाँ पर 2x प्लस 3 बाहर हो जाएगा, और 3x माइनस 2, ये इसका गुणनखंड होगा। अब ये चौथा अपने से कर लीजिए इजली, नहीं तो देखते हैं, कर देते हैं। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसमें 3 × −4 बराबर 12 होगा, और यहाँ माइनस 1 है, तो इसको हम लिखते हैं माइनस प्लस 3, ये आप ऐसे करके कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 ईयर, यहाँ से x कॉमन होगा, यहाँ से x कॉमन होगा, तो यहाँ 3x माइनस 4 बचेगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन होगा, 3x माइनस 4, 3x माइनस कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस 4, यहाँ x प्लस 1, ये आंसर होगा, इसका गुणनखंड होगा। अगला प्रश्न देखिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2,
तो यहाँ तीन घात है, तो करते क्या है, इसका गुणनखंड करते हैं और इसके गुणनखंड जो आएंगे प्लस माइनस करके शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करते हैं, तब उसको व्यवस्थित करके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तो दो का गुणनखंड होगा 1 × 2, यानी हमें प्लस माइनस 1 रखना होगा शेषफल निकालने के लिए और प्लस माइनस 2। तो देखना होगा कि प्लस 1 रखने पर शून्य आएगा कि क्या रखने पर शून्य आएगा, और जो शून्य आएगा तो इसका एक गुणनखंड होगा, ये हम जानते हैं गुणनखंड प्रमेय से। तो मान लीजिए पी एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर प्लस हम रखते हैं 1 हियर, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 2 1 का स्क्वायर 1 हियर प्लस 2, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 1 आएगा 2 हो जाएगा, और ये माइनस 1 और ये प्लस क्या होगा 2, तो सरल करने पर शून्य आ जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ, यानी हम क्या रखे हैं, यक्स बराबर 1 रखे हैं, यक्स बराबर 1 रखा गया इसमें, हर जगह क्या रखा गया, यक्स बराबर, यक्स की वैल्यू क्या रखी गई, 1 रखी गई। तो इसका अर्थ अतः गुणनखंड प्रमेय से शेषफल शून्य हो गया, तो इधर आएगा तो यक्स माइनस वन पी एक्स, ये पी एक्स के बराबर मान लिया गया है, पी एक्स का एक गुणन खंड है। अब देखिए, जब ये इसका गुणन खंड है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए यक्स क्यू आसान विधि है, 2x² - x + 2 ही करिए, क्या तीन घात हो तो यक्स माइनस 1 ऐसे तीन जगह लिख दिया जाए, ऐसे तीन घात है दिस, क्योंकि तीन गुणनखंड होंगे तो इसको तीन ऐसे लिख दिया जाए। अब क्या किया जाए कि किसका गुणा किया जाए कि पहला पद मिले, तो हम गुणा कर सकते हैं, यक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा यक्स क्यू, यहाँ कहीं लिखते रहें इसको, तो जैसे यक्स क्यू माइनस यक्स स्क्वायर हमें मिल गया पहला मिल। अब यहाँ क्या गुणा करें कि हमें ये मिल जाए, हमें ये ध्यान रखना है कि माइनस यक्स स्क्वायर ऑलरेडी एक है, तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ यक्स का गुणा करेंगे, यहाँ यक्स का गुणा करेंगे तो देखिए यक्स स्क्वायर और फिर प्लस यक्स, यानी दो पद मिल गए। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ माइनस यक्स आया है तो किसका गुणा किया जाए कि यहाँ पर, तो यहाँ हम माइनस 2 का गुणा करेंगे, तो देखिए माइनस 2 यक्स और माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस 2, यानी अंतिम भी आ जाएगा, ये सोच करके गुणा करना होगा। अब ये हम कॉमन लेंगे, यक्स माइनस 1 बाहर करेंगे, यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2, अब इसका हम इजली गुणनखंड कर सकते हैं, यक्स माइनस 1 यक्स स्क्वायर और माइनस 2 यक्स प्लस यक्स माइनस 2, तो यक्स माइनस 1 ये यक्स कॉमन लेंगे, यक्स माइनस 2 होगा, प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे और यक्स माइनस 2 होगा, मझला कोष्टक यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 2 यक्स प्लस 1, ये इसका गुणनखंड होगा, आंसर होगा। तो इस विधि से हम आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आगे देखें दूसरा, तो दूसरा है, माना पी एक्स यक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x - 5। अब यहाँ इसका जो अचर पद है 5 है, तो 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 ये आएगा, तो इसका अर्थ है यक्स बराबर 1 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, प्लस 5 रखेंगे और चेक करेंगे कि किसके रखने पे शून्य आ रहा है, वह वही उसका गुणनखंड। तो यक्स बराबर हम पहले देखते हैं, चेक करते हैं, प्लस 1 रखते हैं, तो प्लस 1 रखेंगे तो पी 1 हियर, यहाँ रखेंगे तो 1 का क्यूब
और यहाँ 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 1 हीयर माइनस 5 1 3 होगा यहाँ 9 होगा और ये सरल करने पर शून्य नहीं आएगा, सरल करने पर 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि यक्स बराबर रखे हैं, यक्स बराबर 1 रखा गया है तो यक्स माइनस 1 गुणनखंड नहीं है, इसको छोड़ देंगे। फिर अगला चेक करेंगे पी यक्स बराबर क्या रखेंगे, यक्स बराबर माइनस 1 रखेंगे। तो देखिए क्या मिलता है, तो पी माइनस 1 हियर, क्यू यहाँ माइनस 1 स्क्वायर 9 माइनस 1 माइनस 5, ये माइनस 1 आएगा, ये प्लस आएगा और ये माइनस सरल करने पर ये क्या आ गया, प्लस 9 आ गया और ये माइनस 5 आ गया। तो हम देख रहे हैं ये 4 माइनस ये 9, माइनस 9 और प्लस 9 बराबर 0। देख लीजिए एक बार फिर से, ये माइनस 1 3 माइनस ये धन आएगा तो माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 5। अब जोड़िए ऋण को एक साथ, 1 4 1 5, 4 और 5 जोड़ेंगे तो माइनस 9 क्योंकि माइनस चिन्ह है और प्लस ये 0 आ गया। अर्थात क्या रखे हैं, ये रखा गया है यक्स प्लस 1 पी यक्स का एक गुणनखंड है। अब क्यों है, शेषफल प्रमेय के द्वारा। अब सरल किया जाए उसी विधि से, यक्स क्यू माइनस 3 यक्स स्क्वायर माइनस 9 यक्स माइनस 5, वही विधि अपनाया जाए जैसे यक्स प्लस 1 3 ऐसे लिखेंगे और वही प्रयास कि क्या लिखें कि पहला पद यहाँ किस का गुणा करें, तो यक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यक्स क्यू, पहला पद मिला फिर मिलेगा धन यक्स स्क्वायर हियर। तो अब हमें अगला लाना है माइनस 3 यक्स स्क्वायर, तो इसका अर्थ होगा कि प्लस ऑलरेडी 1 है तो इसका अर्थ होगा माइनस 4 यक्स का गुणा किया, गुणा किया जाए तो देखिए आएगा 4 यक्स स्क्वायर और माइनस 4 यक्स, और सरल करेंगे तो ये दोनों मिलकर दूसरा पद मिल जाएंगे हमें। अब हमें 9 लाना है माइनस 9, तो इसका अर्थ माइनस 5 का गुणा करेंगे, माइनस 5 का गुणा अंतिम भी आ जाएगा तो इस प्रकार यक्स प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स माइनस 5 यहाँ बचेगा और इसका यक्स प्लस 1 ये हो गया, इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका होगा दो भाग करेंगे 5 यक्स प्लस यक्स जोड़ने पर 4 ही आएगा, गुणा करने पर 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यक्स प्लस 1 हियर और यहाँ से यक्स कामन लेंगे तो यक्स माइनस 5 और यहाँ से प्लस 1 लेंगे यक्स माइनस 5। अब यक्स प्लस 1 हियर, यक्स माइनस 5 कामन और यक्स प्लस 1 यहाँ बचेगा, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, कॉमन ले लेंगे, यक्स प्लस 1 ऑलरेडी है इसमें यक्स माइनस 5 लेंगे बाहर, यक्स प्लस 1 ये बचेगा। इसी प्रकार बाकी जो दो प्रश्न हैं आप आसानी से कर सकते हैं, बस यही विधि अपनाना होगा, जैसे यहाँ पर है 20 तो इसका गुणनखंड करेंगे और देखेंगे प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 ऐसे रखेंगे, जो 0 आएगा वही गुणनखंड होगा, इसी प्रकार इसको भी सरल करेंगे। नमस्कार।